प्रदेश आयुर्वेदिक कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी का सम्मेलन विश्वकर्मा मंदिर सराय मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री एनआर ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के 31 मार्च तक 86 विभागीय संगठनों को अपना चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते आयुर्वेदिक कर्मचारी महासंघ की राज्य इकाई के चुनाव संपन्न करवाए गए। इसके अलावा ब्लॉक इकाइयों के चुनाव 31 मार्च तक करवाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 30 अप्रैल तक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की राज्य इकाई का चुनाव करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नकारा है, जबकि वर्तमान जयराम सरकार कर्मचारी हितैषी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 3 महीने के कार्यकाल में कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं, जिनको लेकर कर्मचारी वर्ग उनका आभारी है। एनआर ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों को 12% अंतरिम राहत प्रदान की है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिलाओं को भी नियमित महिला कर्मचारियों के बराबर मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। यहाँ मंडी में प्रदेश आयुर्वेदा अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव हो रहे हैं। 31 मार्च तक सभी विभागीय संगठन जो 86 के करीब हैं, हमारी एनजीओ फेडरेशन के साथ एफिलिएटेड है, कि ये 86 विभागीय संगठन जो है वो 31 मार्च से पहले पहले अपने चुनाव करवा लें, और उसी के साथ साथ एनजीओ फेडरेशन की जो ब्लॉक यूनिट्स हैं जो 75 के करीब नीचे बननी है वो भी 31 मार्च तक अपने चुनाव पूरे करवा लें, और 30 अप्रैल तक राज्य कर्मचारी महासंघ का गठन जो है वो शिमला में होगा। रही बात कर्मचारियों की मांगों या मुद्दों को लेकर के, तो पिछले 5 सालों में वीरभद्र सरकार के दौरान बहुत बुरी तरह से कर्मचारियों की मांगों को नकारा गया, उन्हें ठंडे बस्ते में डाला गया। अपनी 0 प्रोग्रेस जो है वो पिछले टेन्योर में रही है, और सत्ता बदलते ही अब तक जो परिणाम सामने आ रहे हैं या रुझान जो सामने आ रहे हैं, इससे साफ दिखता है कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी कर्मचारी हितैषी हैं, और उन्होंने आते ही कर्मचारियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है की, जैसे इंटरिम रिलीफ जो है उन्होंने आते ही जो है वो कर्मचारियों को दिया, पहले जो है वो 8% और अभी 4%, तो 12% 2 महीने में इंटरिम रिलीफ देना, और महंगाई भत्ते की 3% की किस्त उसको रिलीज किया गया। कॉन्ट्रेक्चुअल जो महिला कर्मचारी थी उन्हें भी नियमित कर्मचारियों के बराबर जो है 135 दिनों से बढ़ा करके 180 दिन किया गया। जो पार्ट टाइम थे उनको 10 साल के बाद जो है वो नियमित होने पे जो है पेंशन लाभ की घोषणा की गई। तो ये एक बड़े फैसले हुए हैं,